दिशा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, आई हैव एयरकॉन इंटरनेशनल 8,000 शेयर्स एट द रेट 142.81। क्यों लिया था दिशा जी? मतलब ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल्स असेस कर रहे थे, किस बेसिस पे लिया हुआ है? सर, इसके फंडामेंटल हमने असेस किए थे, 6 to 12 months तक हम वेट कर सकते हैं। एंड इसका रेलवे सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा पुल आउट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हाईवे कंस्ट्रक्शन के बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे हमने हम मतलब आपके साथ कोई और भी है कि ये अपने लिए वर्ड यूज कर रहे हो आप? सर, अलोंग विद द फादर। हाँ, मुझे याद आ रहा था लास्ट टाइम हमने फादर की बात करी थी। ठीक है, तो मिलके डिसाइड किया है एयरकॉन, सब कुछ फंडामेंटल्स हाईलाइट कर दी ब्यूटीफुली, 20 रुपए खरीद से ऊपर चल रहा है। राहुल जी, रखे रहा हूं क्या? एयरकॉन कैसी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? सर, एयरकॉन इंटरनेशनल बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और मैम ने ऑलरेडी स्टडी भी करी हुई है। साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, अभी जो हाल ही में क्वार्टर, सेप्टेम्बर क्वार्टर के जो रिजल्ट यहाँ जो इन्होंने पेश करे हैं, वहां पे बढ़िया इनका नेट प्रॉफिट भी 44% बढ़ के आया है, करीबन 250 करोड़, जो कि पिछले साल करीबन 174 करोड़ के आसपास था। तो मेरा मानना है कि अच्छी तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नजर आता है। जैसे ही स्टॉक 170 से 174 के जोन को पार करेगा, वहां पे एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है यहाँ से स्टॉक करीबन 185 से 190 तक की चाल दिखा सकता है। इनको 152 रुपीज के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए।